हे गाइस, आज किस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ अपने राशन कार्ड में अपना मोबाइल नंबर चेंज या फिर ऐड करने के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप अपना राशन कार्ड में अपना मोबाइल नंबर को आप ऐड करना चाहते हैं तो गाइस बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप अपना राशन कार्ड में अपना मोबाइल नंबर को ऐड कर लेते हैं तो गाइस आपके डीलर के पास जब भी आपका राशन आता है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके मोबाइल फोन में नोटिफिकेशन आ जाता है गाइस आपके इस महीने का क्या क्या आपको राशन मिलने वाला है। गाइस आपके मोबाइल फोन में सारा नोटिफिकेशन आ जाता है। तो गाइस आपको किस प्रकार से अपना मोबाइल नंबर को अपने राशन कार्ड के अंदर ऐड करना है, आज की इस वीडियो में आपको मैं फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। गाइस जानने के लिए बने रहे इस वीडियो को एंड तक, एंड चैनल पर पहली बार आए तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो हमेशा ही चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, जिससे फ्रेंड्स आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएंगे। गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन का गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं अपना मोबाइल फोन का गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है आर झारखंड। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं टाइप कर चुका हूँ आर झारखंड। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर किसी आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो गाइस यहाँ पर अपना स्टेट का नाम आपको लिख देना है। लिखने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपल यहाँ पे सर्च के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। गाइस क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास इस प्रकार से यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको सबसे पहले यहाँ पे ट्रिपल डॉट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपल यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है डेस्कटॉप साइट। गाइस आपको सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, एंड क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका मोबाइल फोन का स्क्रीन किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप के स्क्रीन के जैसा यहाँ पर हो चुका है। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है झारखंड गवर्नमेंट पीडीएस सिस्टम डिस्ट्रिक्ट। गाइस आपको सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास आर झारखंड का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो चुका है। गाइस जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पर फीचर दिया हुआ है। गाइस आपको सिंपली यहाँ पे ऑनलाइन सेवा के ऊपर क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको ऑनलाइन आवेदन के ऊपर क्लिक कर देना है। गाइस क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास इस प्रकार से यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको सबसे यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। गाइस नीचे आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास इस प्रकार से यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको सिंपली इस वाले बॉक्स पे आपको क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास बहुत सारा यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है मोबाइल नंबर में सुधार या परिवर्तन। तो गाइस आपको सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, एंड क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। गाइस क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास इस प्रकार से यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है राशन कार्ड नंबर। तो गाइस आपको सिंपली यहाँ पर अपना राशन कार्ड नंबर को आपको फिलअप कर देना है। गाइस यहाँ पर मैं फटाफट अपना राशन कार्ड नंबर को यहाँ पे मैं फिलअप कर लेता हूँ, आपको भी यहाँ पे फिलअप कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर अपना राशन कार्ड नंबर डालने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है मोबाइल नंबर। गाइस यहाँ पर आपका जो भी मोबाइल नंबर को आपको ऐड करना है, गाइस यहाँ पर आपको वही मोबाइल नंबर को इसमें आपको फिलअप कर देना है। तो गाइस यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर को इसमें फिलअप कर लेता हूँ, आपको भी यहाँ पे फिलअप कर लेना है। तो गाइस मोबाइल नंबर डालने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, एंड क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। और नीचे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके राशन कार्ड का यहाँ पर पूरा डिटेल्स यहाँ पर आ चुका है। तो गाइस आपको सिंपली यहाँ पर आपको अपना मोबाइल फोन का स्क्रीन फिर से आपको यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पर आपको कर लेना है। गाइस डेस्कटॉप साइट पर करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास इस प्रकार से यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो चुका है। तो गाइस नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक ऑन एडिट फॉर चेंज मोबाइल नंबर। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप जिनका भी नाम में अपना मोबाइल नंबर को आप ऐड करना चाहते हैं, गाइस आपको सिंपली यहाँ पर एडिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास इस प्रकार से यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो गाइस आपको सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट फैमिली मेंबर। तो गाइस आपको सिंपली सिलेक्ट वाले बॉक्स पे आपको क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको उसी नाम को आपको सिलेक्ट कर लेना है जिनका नाम पर आपको मोबाइल नंबर को ऐड करना है। तो गाइस यहाँ पर मैं नाम को सिलेक्ट कर चुका हूँ, एंड सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ इंटर आधार नंबर। गाइस आपको सिंपली यहाँ पर इंटर आधार नंबर पर गाइस जिनका नाम को आप सिलेक्ट किए हैं उनका आधार नंबर को आपको इसमें फिलअप कर देना है। गाइस यहाँ पर मैं फटाफट आधार नंबर को फिलअप कर लेता हूँ, आपको भी यहाँ पे फिलअप कर लेना है। आधार नंबर फिलअप करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर ओटीपी। गाइस आपको
सिंपलिस वाले ओटीपी को आपको इस बॉक्स के अंदर फिलअप कर देना है। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ओटीपी को फिलअप कर चुका हूँ एंड फिलअप करने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ पर सेंड रिक्वेस्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो गाइस क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास इस प्रकार से यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू सर्वेंट टू सेंड रिक्वेस्ट टू बीसीओ। तो गाइस आपका रिक्वेस्ट बीसीओ के पास आपका सेंड किया जा रहा है। गाइस आपको सिंपली यहाँ पर आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है एंड क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास इस प्रकार से यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो चुका है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है मोबाइल नंबर अपडेट रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका मोबाइल नंबर अपडेट सक्सेसफुल यहाँ पर हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका रिसीविंग भी यहाँ पर आ चुका है। तो गाइस आपको सिंपली इस वाले रिसीविंग को आपको प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ पर अपना सिग्नेचर को आपको कर लेना है। सिग्नेचर को करने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली अपना ब्लॉक में चला जाना है एंड ब्लॉक में जाने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली वहाँ पर अपना बीसीओ के पास इस रिसीविंग को आपको लगा देना है। इसके बाद फ्रेंड्स वहाँ से आपका इंक्लोगमेंट स्लिप को आपको वेरीफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका मोबाइल नंबर आपके राशन कार्ड के अंदर एड हो जाएगा। तो गाइस ऐसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो हमेशा इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, जिससे फ्रेंड्स आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएंगे। तो गाइस चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।